बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडीपी एवरीडे साइंस में आज हमारा टॉपिक है आवर सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम तकरीबन 500 नोन सोलर सिस्टम्स में से एक है। हमारा सोलर सिस्टम लाई करता है मिल्की वे गैलेक्सी में। ये सोलर सिस्टम तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना व्हेन अ क्लाउड ऑफ इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट कोलैप्स्ड रिजल्टिंग इन अ सोलर नेबुला। सोलर सिस्टम मिल्की वे ओरियन स्टार क्लस्टर गैलेक्सी में लाई करता है। तकरीबन 15% नॉन स्टार्स हैं गैलेक्सी में जो होस्ट करते हैं प्लैनेटरी सिस्टम्स, उसमें से एक हमारा सन है। सन होस्ट करता है 8 प्लैनेट्स पर मुश्तमिल ये सोलर सिस्टम। इन 8 प्लैनेट्स में से कुछ प्लैनेट्स हैं जो सूरज के नज़दीक हैं और कुछ प्लैनेट्स हैं जो उससे दूर हैं। इस बेस पे इसकी कैटेगरीज की गई हैं और इनके नाम रखे गए हैं। सबसे पहले जो 8 प्लैनेट्स हमारा सन होस्ट करता है, उन 8 प्लैनेट्स के नेम्स हैं मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन सारे प्लैनेट्स में से पहले 4 प्लैनेट्स और आखिरी प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन। यानी पहले 4 प्लैनेट्स जिसमें मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स शामिल हैं, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है। और लास्ट 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको कहा जाता है जोवियन प्लैनेट्स बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन। इस कैटेगरी के बेस पे अब हम पढ़ते हैं कि हमारे इन प्लैनेट्स को किस तरह से रिमेंबर किया जाए। इनको याद करने के लिए एक कोड है, माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सोल्ड अस नगेट्स। इस कोड के जरिए हम इन प्लैनेट्स के नेम याद कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि माई में एम रिप्रेजेंट करेगा मरकरी को, वेरी में वी रिप्रेजेंट करेगा वीनस को, ई में अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न एंड यू फॉर यूरेनस एंड फॉर नेपच्यून। इस तरह से आप इन प्लैनेट्स के नंबरिंग याद कर सकते हैं, इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। गैलेक्सीज, यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, ये बैक टू बैक 3 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम आउटर स्पेस को पढ़ते हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक स्टार प्लैनेट्स को होस्ट करता है और इस स्टार के अंडर ग्रेविटी के साथ, इनर्शिया के साथ ये प्लैनेट्स बाउंड रहते हैं और एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये सोलर सिस्टम में अगर हम इससे अबव बात करें तो बहुत सारे स्टार्स अगर कहीं मिल जाएं, ए ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स अगर कहीं पे कंबाइन हो जाए बाय ग्रेविटी, उसको हम कहते हैं गैलेक्सी। बहुत सारी गैलेक्सीज अगर मिल जाएं तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्स। तो इन सारे सिस्टम्स में से जो हमारा टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। हमारा सोलर सिस्टम मीन्स के सन और वो 8 प्लैनेट्स जो हमने अभी पढ़े, इस सोलर सिस्टम को हम पढ़ते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। इसका कंप्लीट नेम है मिल्की वे ओरियन स्टार क्लस्टर, जिसमें हम मौजूद हैं, हमारी अर्थ मौजूद है जिसमें हम रह रहे हैं। इसमें से कुछ प्लैनेट्स हैं जो इनर हैं और कुछ हैं जो आउटर हैं, जैसे कि हमने अभी देखा बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन। जो प्लैनेट्स सूरज के नज़दीक हैं वो ये 4 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 प्लैनेट्स सूरज के नज़दीक हैं और इनको कहा जाता है इनर प्लैनेट्स एज वेल एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसमें हम देख सकते हैं कि मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, इसकी शॉर्टेस्ट ऑर्बिट होती है और ये सूरज के सबसे नज़दीकी प्लैनेट होता है। नेक्स्ट टू द मरकरी इज वीनस। वीनस को वर्ल्ड ऑफ फायर भी कह सकते हैं, ये हॉटेस्ट प्लैनेट है इन तमाम प्लैनेट्स में जो हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टू द वीनस इज द वर्ल्ड ऑफ वाटर, जिसको हम अर्थ कहते हैं। तमाम प्लैनेट्स में से वाहिद अर्थ है जो कैपेबल है सस्टेनिंग लाइफ, जिसमें जिंदगी के आसार नज़र आते हैं ड्यू टू वाटर, ड्यू टू इट्स एटमॉस्फेयर जिसमें हम रह रहे हैं और भी जानदार रह रहे हैं। तो अर्थ एक वाहिद प्लैनेट है जो कैपेबल है सस्टेनिंग द लाइफ। नेक्स्ट टू द अर्थ एंड द लास्ट वन इज मार्स, लास्ट वन अमंगस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इसमें सबसे आखिरी है मार्स। अब यहाँ पे प्लैनेट्स स्पिन भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं,
मीन्स कि अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द किसी भी प्लेनेट का रोटेट करना, उसका मूव करना। एक प्लेनेट अपने इर्द गिर्द जब कंप्लीट रोटेशन करता है, रोटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 डिग्रीज एंड कम्स टू 360 डिग्रीज, एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो एक दिन बनता है। यानी अब स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट कंट्रीब्यूट्स टू द डेज, और एक प्लैनेट जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है वो 365 दिन बनते हैं हमारी अर्थ के लिहाज से। तो ये 365 दिन मिलके बनता है एक साल, यानी ईयर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू द रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, और स्पिनिंग ऑफ द प्लैनेट कंट्रीब्यूट करती है टूवर्ड्स द डेज। सबसे पहला प्लैनेट है मरकरी, जो कि क्लोजेस्ट है सन के। मरकरी फास्टेस्ट ऑर्बिटिंग प्लैनेट होता है। प्लैनेट ये नियरेस्ट है टू द सन। वन साइड कैन बी 800 डिग्रीज फॉरेनहाइट व्हेन द अदर साइड 280 डिग्रीज फॉरेनहाइट एट द सेम टाइम। मरकरी के बाद नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस। वीनस हैज 90 टाइम्स द प्रेशर ऑफ अर्थ। वीनस हैज वोल्केनोज लाइक अर्थ, रोटेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। याद रखिए, वीनस को हम वर्ल्ड ऑफ फायर भी कहते हैं। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है अमंग्स ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ में अगर हम अर्थ के डेज को काउंट करें, 23 घंटे और 56 मिनट लगते हैं अर्थ को एक कंप्लीट स्पिन करते हुए। इस स्पिन की वजह से अर्थ के दिन बनते हैं, यानी सुबह और शाम। 365 दिन लगते हैं अर्थ को एक कंप्लीट चक्कर लगाने पे, जो वो सूरज के इर्द गिर्द लगाती है। तो इसीलिए 365 दिन कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा एक साल। अर्थ इतनी वार्म है कि इसका टेम्परेचर इसकी सरफेस पे मौजूद वाटर फ्रीज ना हो, और इतनी कोल्ड है कि वो बॉइल भी ना हो। यानी ऐसा ना हो कि सारा वाटर बॉइल हो गया है या सारा वाटर फ्रीज हो गया है। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा हमारे हिसाब से एक ऐसा बनाया गया है कि हम इस एटमॉस्फेयर में रह सकें, कि ना तो बहुत वार्म हो और ना ही बहुत कोल्ड हो। इसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर लाई करता है 13 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्लैनेट इज द मार्स। मार्स इज इन द फॉर्म ऑफ आइस। एविडेंस डेट वाटर वॉज देयर एट वन टाइम। कहा जाता है कि किसी वक्त में, किसी जमाने में यहाँ पे वाटर के आसार नजर आते हैं। इसीलिए नेक्स्ट टू द अर्थ ये कहा जाता है कि शायद मार्स पे जिंदगी के आसार कुछ नजर आते हैं। वॉल्केनिक हिस्ट्री इसकी अर्थ की तरह है और ये इन द फॉर्म ऑफ आइस इसकी लुक होती है। इनर प्लैनेट्स के बाद नंबर आता है जोवियन प्लैनेट्स का, और ये प्लैनेट्स 4 प्लैनेट्स हैं जिनको हम गैस प्लैनेट्स और जॉइंट प्लैनेट्स के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गैस प्लैनेट्स हैं और आइस प्लैनेट्स हैं, ये 4 प्लैनेट्स। इसमें से जो नंबर 1 पे है वो है जुपिटर। जुपिटर की प्रॉपर्टीज ये हैं। सबसे पहले जुपिटर और सैटर्न की कंपोजिशन अगर देखी जाए तो इनकी कंपोजिशन में हाइड्रोजन एंड हीलियम शामिल है। जुपिटर तमाम प्लैनेट्स में से सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। It has a great red spot from a storm system that is more than 400 years old. It is larger than Earth. 9 hours and 54 minutes चाहिए एक जुपिटर को अपने इर्द गिर्द स्पिन करने के लिए, और इसका एक दिन मुश्तमिल होता है 9 घंटे और 56 मिनट पर। नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न। नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न है, और सैटर्न के साथ भी यही कंपोजिशन है कि सैटर्न हाइड्रोजन एंड हीलियम पे मुश्तमिल होता है। सैटर्न के पास एक रिंग है, रिंग सिस्टम है इसका, और इसके अलावा मल्टीपल मून्स हैं, बहुत ह्यूज है, इसकी सॉलिड सरफेस होती है। नेक्स्ट टू द सैटर्न इज यूरेनस। इट इज डिस्कवर्ड इन 1781। यूरेनस अपीयर्स ब्लू ग्रीन इन कलर। इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्ट 90 डिग्रीज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन टिल्ट है, थोड़ा सा टेढ़ा है, अबाउट 90 डिग्रीज पे। और इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून, क्योंकि ये लास्ट प्लैनेट्स हैं तो इसीलिए इनकी कंपोजिशन होती है रॉक, आइस, लिक्विड मिक्सचर पे, वाटर, मिथेन और इमोनिया पे। तो इसीलिए ये लास्ट टू प्लैनेट्स को हम आइस जॉइंट्स भी कहते हैं। लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। Neptune is discovered in 1846. Neptune has wheel belts of clouds. Interior releases thermal energy.
its outer layers, to its outer layers, and then the last one is Pluto. Pluto को 1999 के बाद planetary system से बाहर कर दिया गया था, यानी 1999 से पहले कहा जाता था कि सन के इर्द गिर्द रिवॉल्विंग प्लैनेट्स 9 हैं, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि वो इतने डिस्टेंस पे है कि वो प्लैनेटरी सिस्टम में इंक्लूड नहीं होता, लिहाजा प्लूटो के अलावा लास्ट प्लैनेट हमारे पास होगा नेपच्यून का। ये सारे जो प्लैनेट्स लास्ट हमने पढ़े 4 प्लैनेट्स में, इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ये हैं, जो इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि दे हैव मल्टीपल मून सिस्टम्स, दे हैव रिंग सिस्टम्स एज वेल, दे डोंट हैव सॉलिड सर्फेस, दे आर वेरी ह्यूज। जैसे कि हमने देखा कि जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है तमाम प्लैनेट्स में से, और उसके बाद सेकंड नंबर पे सैटर्न आता है जो कि लार्जेस्ट है और सबसे ज़्यादा रिंग सिस्टम्स कंटेन करता है। इसके अलावा यूरेनस मशहूर है रोटेटिंग ऑन इट्स वन साइड, इसकी टिल्ट होती है, इसीलिए यूरेनस की वन साइड टिल्टेड की वजह से हम इसको पढ़ते हैं। और नेपच्यून की कोल्डेस्ट सरफेस होती है, उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत डिस्टेंस पे है सन से, लिहाजा सन से डिस्टेंस पे होने की वजह से इसकी सरफेस बहुत कोल्ड होती है। इसके अलावा ये प्लैनेट्स जो हमने पढ़े जोवियन प्लैनेट्स, इसमें पहले 2 गैस जायंट्स हैं जिसमें जुपिटर और सैटर्न आएगा, और लास्ट के 2 प्लैनेट्स हम कहेंगे कि ये दोनों प्लैनेट्स हैं आइस जायंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे प्लैनेट्स को स्पेस में ऑर्बिट करने के लिए किस चीज़ ने मजबूर किया है, वो क्यों वहाँ पे मौजूद हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि इनकी ऑर्बिट इलिप्टिकल होती है, इलिप्टिकल का मतलब कि कहीं कोई डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, कहीं कोई डिस्टेंस कम हो सकता है, तो अगर इनकी ऑर्बिट्स इलिप्टिकल हैं तो ऐसे बेस पे इनको किस चीज़ ने जोड़ा हुआ है, जस्ट लाइक द ग्लू, वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है ग्रेविटी एंड इनर्शिया। ग्रेविटी और इनर्शिया ये दोनों वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इनकी रेवोल्यूशन के लिए हम अपने ही अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्विंग मून की एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मून ऑर्बिट कर रहा है अर्थ, यानी ग्रेविटी कोई ऐसी फोर्स है जिसके ज़रिए कोई भी चीज़ उस प्लैनेट या उस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है। इनर्शिया असल में बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो जिस साइड पे मूव कर रहा है उस साइड पे मूव करता रहे। अब अगर हम अपने मून और अर्थ सिस्टम की बात करें, हम जानते हैं कि मून ऑर्बिट करता है अर्थ को, तो ऐसे बेस पे अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो गई मून आ जाएगा अर्थ की तरफ ऑर्बिटिंग को छोड़कर, और अगर इनर्शिया ज़्यादा हो गया तो मून स्ट्रेट आगे निकल जाएगा। इन दोनों फोर्सेस में बैलेंस होना है, बैलेंस होंगी तभी मून ऑर्बिट करेगा अर्थ को। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ऑर्बिटिंग कंटिन्यू रहेगी, ऑर्बिटिंग के लिए यही चीज़ लाजमी है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ इस पिक्चर नंबर 1 में इनर्शिया को इंडिकेट किया गया है, बॉडी सर्कुलेट करते हुए ये चाहेगी कि वो स्ट्रेट आगे निकल जाए। अगर इनर्शिया ज़्यादा हो गया तो ये बॉडी सीधा आगे निकल जाएगी और आगे निकल के ऑर्बिटिंग पाथ को छोड़ देगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर ग्रेविटी ज़्यादा हो गई, ग्रेविटी का मतलब कि कशिश शक्ल अगर ज़्यादा हो गई, तो वो बॉडी उस ऑब्जेक्ट या उस प्लैनेट की तरफ मूव करेगी अपनी ऑर्बिटिंग को छोड़कर। यानी अब इन दोनों ने इस तरह से वर्क करना है कि ना तो इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो ना ही ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, ये दोनों फोर्सेस टुगेदर वर्क करेंगी टू कीप द प्लैनेट्स एज वेल एज मून ऑर्बिटिंग अराउंड द ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से ये इकट्ठे वर्क करती हैं, वर्क टुगेदर करती हैं।